मैं हूं प्राची तिवारी। पांडवानी महाभारत को गा बजाकर नाच कर दिखाने वाली तीजन बाई को सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग जानते हैं। पांडवानी कौरवों और पांडवों की कहानी होती है। आपने, मैंने, हम सब ने ही महाभारत को टीवी पर देखा होगा, लेकिन तीजन बाई महाभारत को गा बजाकर नाच कर लोगों को दिखाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल अलग ढंग से वो लोगों को महाभारत दिखाती हैं। तीजन बाई पहली ऐसी महिला हैं जो पांडवानी गाती हैं। ऐसा नहीं है कि महिला पहले पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलती थी। अगर पहले जमाने में भी महिलाएं अगर अपने पे आ जाती थी तो उस समय भी वो पुरुषों से आगे ही चलकर काम करती थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये अब आपको आगे पता ही चल जाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं पांडवानी गाने वाली पहली महिला तीजन बाई की। तीजन को पांडवानी का शौक पहले से था, पर 12 साल की उम्र में तीजन की शादी कर दी गई। इसके बाद तीजन के पांडवानी परफॉर्म करने पर लोगों का ऑब्जेक्शन बढ़ने लगा। फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बदला और फिर आसपास के लोग तीजन बाई को बुलाने लगे। तीजन बाई अपने गानों में इस कदर डूब जाती थी कि ऐसा लगता था जैसे कि महाभारत के सारे कैरेक्टर्स जिंदा हो गए हैं। उनका तानपुरा कभी भीम की गदा बन जाता, कभी अर्जुन का धनुष, तो कभी द्रौपदी के केश। पांडवानी रात के खाने के बाद शुरू होती थी। पांडवानी के लिए तीजन बाई की इतनी दीवानगी थी कि वो पांडवानी अक्सर रात को गाया करती थी, और रात को पांडवानी गाने के लिए वो घर से गायब हो जाती थी। एक दिन उनके पति जब रात में उठे और उन्होंने देखा कि तीजन बाई घर में है ही नहीं, तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गए। उधर तीजन महाभारत के भीम की महिमा पर पांडवानी गा रही थी। वो अपने गाने में इतना मगन हो गई थी कि उन्हें भीम सही में लगने लगे। अब उनके पति उन्हें वहां पकड़कर मारने आ गए। तीजन पर भीम का किरदार इतना भारी हो गया था कि उनको अपना तंबूरा भीम की गदा लगने लगा। उन्होंने तंबूरे को गदे की तरह अपने पति पर दे मारा। बस इसके बाद तीजन बाई कभी भी अपने पति के घर लौट कर ही नहीं गईं और दोनों का तलाक हो गया। तीजन 1956 में भिलाई के धनियारी गांव में पैदा हुई थी। उनके माँ बाप परधी ट्राइब के थे। इस जनजाति का मेन काम होता था चिड़िया पकड़ना, शहद बटोरना, चटाइयाँ बुनना और झाड़ू बुहारना। तीजन कभी स्कूल नहीं गई। तीजन के नाना ब्रजलाल परधी पांडवानी गाया करते थे। वो उन्हीं को देखकर सुनकर पांडवानी सीखती रहती थी, जो अपने ही दादाजी की कला को सीख कर ही तीजन ने आज देश भर में नाम कमा लिया। वो पांडवानी परफॉर्म करने वाली हमारे देश की पहली औरत थी। उससे पहले औरतें बेदमती स्टाइल में गाती थी। कापालिक पांडवानी में कथा को एक्टिंग और डांसिंग के जरिए दिखाया जाता है, जबकि वेदमती में महाभारत की कथा को सिर्फ गाकर परफॉर्म किया जाता है। उस वक्त पांडवानी आमतौर पर कमजोर वर्ग के लोग ही गाया करते थे, जिनमें से अधिकतर एकेडमिक्स से जुड़े नहीं होते थे। इसके बावजूद महाभारत की हजारों कथाएं उनको याद रहती थी। इससे पता चलता है कि वो कितने बुद्धिमान थे। आप यकीन करेंगे कि तीजन बाई पेरिस तक में परफॉर्म कर चुकी हैं, लेकिन आज भी उनकी सादगी ही उनकी पहचान है। वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं, लेकिन आज भी बासी रोटी के बिना उनका पेट नहीं भरता। उनकी तड़तड़ाती हुई आवाज, उनके एक्सप्रेशन, उनका ठेठ अंदाज, उनकी संजीदा अदायगी उनको सबसे अलग बनाती है। तीजन बाई ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन जैसे तमाम देशों में भारत की तरफ से परफॉर्म किया है। भारत सरकार ने उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तीजन बाई अब लोगों को पांडवानी की ट्रेनिंग दे रही हैं, ताकि हमारी और कलाओं की तरह ये पांडवानी की कला भी कहीं दम ना तोड़ दे और आने वाले समय में भी लोग पांडवानी को पहचाने। इसलिए तीजन बाई इन दिनों युवाओं को पांडवानी की ट्रेनिंग दे रही हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा जो काम की बात है वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।